वाह, क्या स्नैप आया है। होली में मठरियाँ तो चलती ही हैं, मगर अगर वो मठरियाँ बेक्ड हों और परफेक्ट टेस्ट की हो और सूखी सूखी भी ना लगें तो कहने ही क्या। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? तो स्वागत है आपका वेट लॉस वेंसडेज में। और आज हम बना रहे हैं आटे की मठरियाँ जिन्हें हमने बेक किया है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप आटा ले लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं आधा कप सूजी। फ्लेवरिंग के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन से मठरियाँ भारी नहीं रहती हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाती हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, तो यहाँ पे हम करीबन आधा टीस्पून नमक डाल रहे हैं। और मठरियों को हल्का सा चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे मैं करीबन 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं और टोटली स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें मोइन डाल देंगे, तो मोइन के लिए यहाँ पे मैं नॉर्मल रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑलिव ऑयल या जो फैंसी ऑयल्स आते हैं अलग अलग तरीके के, उनका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल जो घर में ऑयल मौजूद है, रिफाइंड ऑयल, उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑयल की जगह अगर आप प्रेफर करते हैं तो आप मोइन देसी घी का भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, बेक्ड मठरियों की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। कुछ रेसिपीज़ ऐसी भी हैं जिसमें ना ऑयल बिल्कुल 1 टीस्पून या आधा टीस्पून ही डालते हैं और फिर अलग अलग चीज़ों से उनको फ्लेवर करते हैं या फिर उसको खस्ता बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई करी हैं एंड ट्रस्ट मी, ये बेस्ट है। इस समय मोयन आप बिल्कुल परफेक्ट डालिएगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम जैसे बेक मठरी बना रहे हैं और वो खस्ता नहीं बनी, वो टेस्टी नहीं बनी, तो फिर अगली बार वो बनती ही नहीं है। कोई चीज़ अगर टेस्टी नहीं बनती है तो फिर वो बनना ही बंद हो जाती है और फिर से हमें ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाना पड़ता है। तो अगर आप वाकई में फूड एंथुजियास्ट हैं और हेल्थ कॉन्शियस भी हैं तो मठरी को कुछ इसी तरीके से बनाइएगा और मठरियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी, परफेक्ट टेस्ट की बनेंगी। वो जो मार्केट से हम बेक्ड मठरियाँ लेके आते हैं और जो सूखी सूखी सी लगती हैं वैसी नहीं बनेंगी, बहुत ही बढ़िया बनेंगी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपके यहाँ बार बार डिमांड होंगी कि अब तो बेक्ड मठरियाँ ही बनाओ। जब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हमारा जो मिक्सर है वो हल्का क्रम्बली होना चाहिए, और जब हम इसको हाथों में उठा करके इस तरीके से मुट्ठी बांधें तो ये मिक्सर बन जाना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो मिक्सर है वो बिल्कुल परफेक्टली बन करके तैयार हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका टाइट आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमारा जो आटा है वो एकदम से गीला ना हो जाए। इतने आटे को लगाने में मुझे 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लगा है, मतलब 1/4 कप पानी लगा है, 3/4 कप पानी लगा है। और ये आटा लग करके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना टाइट आटा लगाया है हमने। तो अब हम इसको ढक करके 15 से 20 मिनट तक इसी तरीके से फूलने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा अच्छे से फूल करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसको एक बार फिर से 1 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयां तोड़ लेंगे। यहां पे आप लोइयों का साइज देख सकते हैं। सभी लोइयों को तोड़ने के बाद हम एक छोटी सी लोई अपने हाथों में लेंगे, उसको गोल कर देंगे और फिर इस तरीके से दबा करके चपटा कर देंगे। और अब हम एक कांटे की मदद से इस पर डिज़ाइन बना देंगे। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके का अलग सा डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ा बिस्किट नुमा डिज़ाइन हो जाएगा, मगर ट्रेडिशनली मठरियों को इस तरीके से कांटे की मदद से गोद दिया जाता है ताकि ये फूल करके ऊपर ना आए। तो हम चाहते हैं कि हमारी मठरियाँ देखने में भी ऐसी लगें कि बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाई गई हैं। तो हम इन सभी मठरियों को इस तरीके से गोल करके चपटा कर लेंगे और फिर एक साथ कांटे की मदद से इसमें छेद कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मठरियाँ बन करके तैयार हो गई हैं, तो इनको गोद देते हैं और फिर ले चलते हैं इसको एक प्री हीटेड अवन में। अब हम इन मठरियों को एक प्री हीटेड अवन में 200 डिग्री सेल्सियस पे 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे।
25 मिनट हो गए हैं, तो ये जो हमारी मठरियाँ हैं ये बेक तो परफेक्टली हो गई है, मगर ऊपर से ये ब्राउन नहीं हुई है। तो ऊपर से ब्राउन करने के लिए हम इनको हाई रैक पे लगा देंगे और फिर से 200 डिग्री सेल्सियस पे 3 से 5 मिनट तक इनको बेक कर लेंगे। 3 मिनट बाद एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, अगर परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो वेल एंड गुड, वरना इसको पूरे 5 मिनट के लिए ही हाई रैक पे रख करके बेक कर लीजिएगा और आपकी मठरियाँ ऊपर और नीचे से परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएंगी, जैसे कि इस समय मेरी वाली मठरियाँ हो गई हैं। तो ये हमारी मठरियाँ बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गई हैं। तो अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक दूसरी प्लेट पे और इसी बेकिंग डिश पे दूसरी मठरियाँ भी लगा देंगे। अभी ये बिल्कुल खस्ता नहीं हुई हैं, जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी तब ये परफेक्ट खस्ता हो जाएंगी। दूसरे बैच को भी हम इसी तरीके से बेक कर लेंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ 2 घंटे बाद जब मठरियाँ पूरी तरीके से ठंडी हो गई थी तब ये कैसी लग रही हैं। तो यहाँ पर आप आवाज़ सुन सकते हैं और अब मैं आपको एक मछली तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए क्या स्नैप आया है। तो हमारी बेक मठरियाँ करारी भी हैं, खस्ता भी हैं और सूखी सूखी भी नहीं लगती हैं। आप इन्हें पूरी तरीके से ठंडा करने के बाद 1 महीने तक एक एयर टाइट कंटेनर में रख कर काउंटर पे ही स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की लाजवाब सी रेसिपी पसंद आई होगी। अभी के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं मंडे वेंसडे थर्सडे को सुबह 9 बजे। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय।